प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर होनी है बातचीत। अमेरिका की विदेश नीति में अहम भूमिका अदा करने वाले थिंक टैंक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे पड़ाव में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत वाले एक समारोह के दौरान भारत को 200 से ज्यादा सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटा दी। इन कलाकृतियों की कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर है। अमेरिका की ओर से लौटाई गई चीजों में धार्मिक मूर्तियां, कांसे और टेराकोटा की कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें से कई कलाकृतियां तो 2000 साल तक पुरानी हैं। इन्हें भारत के सबसे संपन्न धार्मिक स्थलों से लूटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्लिंगटन राष्ट्रीय समाधि स्थल जाकर अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्मारक भी गए और वहां उन्होंने कोलंबिया यान दुर्घटना में मारे गए लोगों की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ये हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। इसमें 164 लोगों की जान गई थी और 308 लोग घायल हुए थे। चीन के सरकारी टेलीविजन चैनल सीसीटीवी 9 ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान में उसके समर्थकों के बारे में बताया गया था। उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण या तो सर्वसम्मति से या फिर कोर्ट के आदेश से होना चाहिए। उन्होंने राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी सरकार एनडीए की किसान फसल बीमा योजना जैसी कल्याणकारी कार्यक्रमों में बाधा पैदा कर रही है। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे विकास पर्व के तहत सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। उन्होंने सरकार की कौशल विकास योजना के बारे में कहा कि इससे बड़ी संख्या में नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण स्वच्छ उद्यान पखवाड़ा मना रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मनाए जा रहे स्वच्छ उद्यान पखवाड़े के दौरान आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने हौस खास के डिस्ट्रिक्ट पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके प्रति सभी में जागरूकता लानी होगी। केंद्र सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए जन धन आधार मोबाइल सेवा से करीब 36,500 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला पत्रकारों की एक कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान 1,92,00,000 शौचालय बनाए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम अखिल भारतीय महिला पत्रकार कार्यशाला में पहली बार देश भर की कई महिला पत्रकारों ने एक साथ शिरकत की। सम्मेलन में महिला पत्रकारों के सामने महिला और बच्चों से संबंधित कई मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। इन 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामेंद्र कुमार नाथ को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस छोड़ने और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की सूचना दी है। चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले विधायकों में सुदीप रॉय बर्मन, आशीष कुमार स्वाहा, दिलीप सरकार, परिंजीत सिंघा रॉय, दिबा चंद्र हरंगवाल और बिस्वा बंधु सेन के नाम शामिल हैं। यमन में हूथी बागियों से लड़ रहे सऊदी गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र के उन देशों और समूहों की सूची से हटा लिया गया है जो संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक यमन में पिछले साल सऊदी गठबंधन 60% बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार था। सऊदी अरब ने इस रिपोर्ट पर तीखा विरोध जताया था। उसने कहा कि रिपोर्ट में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बांग्लादेश में संदिग्ध चरमपंथियों के ताजा हमले में एक मंदिर के पुजारी की मौत हो गई है। 70 वर्षीय आनंद गोपाल गांगुली का शव पश्चिमी झिनाइदह जिले में उनके मंदिर के नजदीक पाया गया। उधर पुलिस ने कथित हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई में 3 संदिग्ध चरमपंथियों को मार गिराया है। आनंद गोपाल गांगुली ऐसे 3rd व्यक्ति हैं जिनकी पिछले 2 दिनों में ऐसी हत्या की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि टीम का कोच तय करने में हिंदी को कोई मानदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोच को हमारी संस्कृति समझ में आनी चाहिए, भाषा कोई चिंता का विषय नहीं है। फिल्म उड़ता पंजाब अपने विषय, नाम और कुछ दृश्यों को लेकर विवादों में घिर गई है। इस मामले पर फिल्म के सह निर्माता अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट भी जारी किया है। उधर फिल्म पर बढ़ते विवाद पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि फिल्म रिव्यू कमेटी में 3 सदस्य हैं और यदि निर्माता असंतुष्ट है तो अधिकरण जा सकते हैं।